फ्रेंड्स, दिव्य किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों की फरमाइश पे नाश्ते में पास्ता बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीका बताऊँगी और बहुत ही झटपट से बन जाने वाला, ना बॉयल करने का झंझट और ना ही फ्राई करने का। तो आइए चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आज पास्ता बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए, मैंने कुकर गैस पर चढ़ा दिया था, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाला। अब इसमें हम डाल देंगे राई और राई को चिटकने देंगे और फिर इसमें डाल देंगे प्याज। सिर्फ मैं प्याज और टमाटर से पास्ता बनाने जा रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होगा। तो ये देखिए, प्याज मेरा थोड़ा सा गोल्डन फ्राई हो गया, फिर उसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिया। टमाटर और प्याज को थोड़ा सा पकाएंगे, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल देंगे, जिससे हमारा प्याज और टमाटर हल्का सा अच्छे तरीके से गल जाए, और थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। फिर इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून और मैगी मैजिक मसाला 1 पाउच डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मसाले में नमक रहता है, इसलिए मैंने जो नमक पहले डाला था उसके बाद मैंने नमक नहीं डाला। और ये बिना बॉयल किया हुआ मैं पास्ता डाल दूँगी प्याज टमाटर में, और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसमें हल्का सा डालेंगे पानी, और पानी डालने के बाद इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी प्रेशर कुकर में। तो ये देखिए, पानी की मात्रा आप इतना ही बस रखिएगा, और उसके बाद ढक्कन लगाने के बाद 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। तो 1 सीटी आ चुकी है, अब इसको हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इंतज़ार करेंगे ठंडा होने का। ठंडा हो गया है, अब ये देखिए हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी पास्ता बनकर रेडी हुआ है सिर्फ 5 मिनट में। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।